ये है दिल्ली दर्पण। ये बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर है। ब्लॉक के परिवार सभी परिवार के साथ मिलके स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग राज्यों में से अलग तरह से मनाया जा रहा है। दिल्ली के पीतमपुरा के डीयू ब्लॉक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी इसे कुछ अलग अंदाज में मनाया गया है RWA की तरफ से। मेरे साथ RWA के सदस्य मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाव जी, क्या मन में आया है, क्योंकि RWA एक कार्यक्रम बहुत अलग करती है और इस तरह से बच्चों को मिलाना, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, उस तरह का कार्यक्रम उनको कितना अच्छा लगता है, क्या समझते हैं? देखो, ये प्रोग्राम किया था कि सारे ब्लॉक को जोड़ा जाए, और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, प्रैक्टिस के दौरान भी पूरा कोरोना के नियमों का पालन किया गया और बच्चों में सामाजिक दूरी, मास्क, सभी चीज़ का ध्यान रखा गया, सैनिटाइज़र सभी का प्रबंध था जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसलिए उसका तो पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व है और साल में एक ही बार आएगा स्वतंत्रता दिवस, तो सबको मनाना चाहिए सामूहिक रूप से। तो पूरे ब्लॉक को जोड़ने का और बच्चों को भी स्वतंत्रता दिवस की महत्ता क्या है, वो आगे बढ़ के वही भविष्य है देश का, तो इसलिए रंगारंग कार्यक्रम, और वो भी सब देख पाए कि हाँ कैसे प्रोग्राम होते हैं या झंडारोहण का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो इसके लिए सभी को जोड़ा गया और सभी चीज़ों को, और उसमें हमारे जो महिला संगठन है उन्होंने पूरा सहयोग किया कि बच्चों के माता पिता और RWA के रिप्रेजेंटेटिव के सब ने सभी चीज़ का ध्यान रखा और पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से उसके लिए अभ्यास किया, लेकिन कोरोना का सारा ही ध्यान रखा है। किसी भी जो है प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, गृहस्थी को सक्सेस करने के लिए, समाज को सक्सेस करने के लिए और देश को सक्सेस करने के लिए महिलाओं के जो है सहयोग के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता, और जब तक महिलाएं इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगी तब तक बच्चे भी शामिल नहीं होंगे, पुरुष भी शामिल। ये बेसिकली एक बीज है जो पूरे की पूरी सोसाइटी को एक्टिवेट रखता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो बगैर महिलाओं के भाग के कोई भी कार्य मेरे हिसाब से पूर्ण हो ही नहीं सकता, इसीलिए महिलाओं को हमने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया, उन्होंने हमको प्रोत्साहित भी किया, बच्चों को भी ऑर्गेनाइज किया, और आप देख ही रहे कितने बेहतरीन तरीके से इस RWA ने इस सारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया है। पूरा ब्लॉक यहाँ पर इस हर्षोल्लास रूप से इस प्रोग्राम को मना रहा है, हम सबका धन्यवाद करते हैं। कोरोना काल का जितना भी प्रोटोकॉल था वो सारा निभाया गया, उस हिसाब से उसका पालन किया गया, और बच्चों को भी बाहर निकलने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि हम बाहर जाएं और अब कुछ एक्टिविटी करें, इसलिए उन्होंने बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो ये बताइए कि कोरोना भी चल रहा है, हैं सबको पता है कि अब इंडिपेंडेंस डे अब कोरोना काल के प्रोटोकॉल के साथ ही मनाया जा रहा है, आपकी जो थीम थी एक तरह से देखी जाए तो सामूहिक की थी कि अब सामूहिक तरह से सब जुड़े, और पूरे RWA के जितने भी लोग, सबने आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि सब आए, लगता है कि लोगों ने साथ दिया। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और इस बार DU ब्लॉक ने जितना उत्साह दिखाया गया है, मेरे हिसाब से एज ए प्रेजिडेंट आज तक कभी भी इतना उत्साह नहीं था, और इस सब के लिए मैं शैली जी जो कि 15-20 दिन से बहुत मेहनत कर रही हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए उनके पेरेंट्स, इतना उन्होंने कोऑपरेट किया है, 20 दिन से बच्चे 2-2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं, और DU ब्लॉक के रेजिडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे भी विनती करता हूं कि इसी तरीके से आगे कोई भी प्रोग्राम हो उसको सक्सेस करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद RWA का, त्यागी जी का, हमारे चेयरमैन शर्मा जी का, हमारे हरभजन सिंह जी का, हमारे VP शर्मा, अलेश मेहरा साहब का, विक्की शलेश मेहरा का, विक्की जी का, संजय जैन जी जो कि शैली जी के हस्बैंड हैं, वो अजय जैन सॉरी, वो हर चीज़ में शैली जी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी के लिए मना नहीं करते किसी, मैं उनका कम बहुत धन्यवाद करना नहीं चाहिए उनका, क्योंकि धन्यवाद करके वो उतर जाता है, पर फिर भी मैं अजय जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से DU ब्लॉक के सभी रेजिडेंट्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
शैली जी, आप वाइस प्रेसिडेंट है RWA की, सबसे ज़्यादा जो तारीफ हुई है इस बार आपकी हुई है कि मैम इतनी आपने इतना काम किया है, क्या लगता है जो उद्देश्य लेकर आप चले थे वो पूरा हुआ है? पहले तो मैं सबको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत मुबारक देना चाहूँगी, और मेरी तारीफ नहीं इन सब की तारीफ है, क्योंकि इन सब ने मेरा साथ दिया, जैसे मैंने बोला इन्होंने मेरे सहयोग दिया, एक चीज़ जैसे मैंने कही इन्होंने कहा कि आप करो हम आपके साथ हैं, कोई इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, सबका साथ सबका सहयोग से ही हो सकता है, और इसके लिए आप सब देखो सब बच्चे सब बड़े सब मिलजुल के सब ने साथ दिया हमारा। मेहनत करी थी, सब बता रहे थे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस है, हाँ। तो पूरी हुई हो? पूरी प्रैक्टिस हुई, पूरा मज़ा किया, कोरोना के जितने भी हमने नियम थे वो फॉलो किए, सैनिटाइजर मास्क, और बच्चों ने हमने ये बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर है, ये उनमें एक बीज डाला है कि कल को आपने ही संभालना है, आज वो सीखेंगे कल वो करेंगे, बस यही हमारा उद्देश्य है कि वो सीखें और उनमें देशभक्ति की भावना आए। आप देख सकते हैं कि RWA का सभी का ये कहना है कि बच्चों को आगे बढ़ाना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। अभी जो यहाँ की वन्ना कुमारी जी है MLA, वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, सामूहिक रूप से करा गया था, और सभी का कहना है कि मिलजुल के जिस तरह से हम भाग लेते हैं उससे ही हमारा देश आगे बढ़ता है। आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की दिल्ली दर्पण टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन लोकेश के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीम। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर